इवनिंग दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता, और ये सूजी पास्ता है, तो ये हमें नुकसान भी नहीं करेगा। इसके लिए हम यहाँ पानी चढ़ाए हुए हैं बॉयल होने के लिए। इसमें डालें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और अब ऐड करेंगे इसमें ये पास्ता। तो पानी में बॉयल आ गया है, अब मैं पास्ता ऐड कर दूँगी। पाँच मिनट बॉईल करने के बाद ये अच्छे से पक गई है। ये देखिए, अगर हम इसे नाइफ से इस तरह कर रहे हैं तो ये टूट रही है पूरी। ये अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है, और इस तरह से मैंने इसमें सारा पास्ता रख दिया। इस तरह से शुरू कर रही हूँ यहाँ पास्ता बनाना। एक पैन में थोड़ा सा तेल लेंगे हम लोग। ऑयल यहाँ अच्छे से गर्म हो गया है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम। इसी के साथ मैंने यहाँ कुछ तैयारियाँ भी कर ली है। ये है पास्ता, टमाटो, अनियन और कैप्सिकम। अपने हिसाब से कोई भी, अपने पसंद कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। हमें अनियन वाला पसंद है, जो मैंने थोड़े ज़्यादा अनियन लिए हैं। इसमें और भी वेजिटेबल्स डालेंगे, अनियन मोस्टली अपना कलर चेंज कर चुका है। और इसमें हम लोग थोड़ी सी पहले हल्दी ऐड करेंगे। ये मैंने रेड और येलो शिमला मिर्च ऐड की है। आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जी डाल सकते हैं, गाजर, बीन्स, कुछ भी आपको जो भी पसंद हो, या ना पसंद हो तो ना डालें। इसे थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। थोड़ी देर मैंने इसे पकाया है, और फिर ये उसके बाद हम लोग इसमें टमाटो ऐड करेंगे। कुछ देर ढक के पकाने के बाद हमारी सब्जियाँ कुछ इस तरह से है, इस तरह से दिख रही है। मैंने सब्जी को अपने हिसाब से पका लिया है। आप लोग अगर थोड़ी क्रंची पसंद करते हैं तो वैसे ही रखें। और अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा इसमें सोया सॉस, और अब इसमें जाएगी थोड़ी सी चिली सॉस, एंड टोमेटो केचप। इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ। सारे सॉसेस को मैंने मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसमें डालूंगी पास्ता। जो हमने ऑलरेडी बॉईल करके रखी हुई थी, और अब हम इसे मिक्स करते हैं। अब मेरा पास्ता कुछ इस तरह से दिख रहा है। पास्ता एक ऐसी रेसिपी है कि आप कभी भी छोटी मोटी भूख में, जब आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप तुरंत बना सकते हैं। वेजिज के साथ बना सकते हैं, बिना वेजिज के बना सकते हैं, जैसे मन वैसे बना सकते हैं। और देखिए, मैं कुकिंग कर रही हूँ, और मेरा बेटा यहाँ पर बैठ करके कुकिंग करा रहा है, और मैं ये अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ। तो उसे चीज़ बहुत पसंद है, तो थोड़े से चीज़ ऐड करूँगी इसमें। ये है गो चीज़ का पिज़्ज़ा ब्लेंड, मोज़ेरेला प्लस चेडार। मैं सब मिक्स करती हूँ। अब ये मेरा पास्ता बिल्कुल बन करके तैयार है। चीज़ जो है ना, आप लोग अगर ऐड करेंगे तो लास्ट। ये अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये रेडी हो गया।